रियल मी पैड आ चुका है हमारे पास फ्लिपकार्ट से। हाँ, एक रिटेल यूनिट है। अब देखो, ये एक बड़ा इश्यू सॉल्व करता है। अभी तक जब भी तुम अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे बेस्ट टैबलेट अंडर 20,000 लिखते थे, पुराने हार्डवेयर या पुराने सॉफ्टवेयर वाले सैमसंग एंड लेनोवो के टैबलेट्स दिखाता था। बट दिस कुड मेक अ चेंज। आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे कंपनीज टैबलेट्स लॉन्च कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो में सिर्फ अनबॉक्सिंग ही नहीं, बट एक मिनी रिव्यू टाइप मिलेगा। मतलब यार, वीडियो देख रहे हो, 10 मिनट दे रहे हो, तो आपको वैल्यू मिलना चाहिए। पहले मैं टैबलेट को यूज़ करूँगा, अनबॉक्स करूँगा, फिर एक एक्सपीरियंस अपना कि क्या क्या मैंने फेस किया, कैसा लगा, फर्स्ट इंप्रेशन टाइप आपको देखने को मिलेगा बी रूल्स के साथ। वैसे अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है, लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं। आगे भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को शुरू करते हैं। स्ट्रेट अवे सॉलिड पैकेजिंग है, टिपिकल टैबलेट पैकेजिंग, बट आईपैड वाइब्स दे रहा है, एप्पल के प्रोडक्ट वाइब्स दे रहा है। आके समझ जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। सामने की तरफ रियलमी पैड का फोटो, इस साइड में रियलमी पैड, पीछे की तरफ इन्होंने कुछ स्पेसिफिकेशंस डिटेल में मेंशन कर रखा है, जैसे कि हीलियो G80 हो गया, 10.4 इंच का डिस्प्ले हो गया, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। MRP इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है 25,000 रुपीज, बट मैंने बिना किसी ऑफर का इसे 16,000 रुपीज में लिया था। हमारे पास जो वेरियंट है वो है 3GB RAM 32GB ROM LTE वेरियंट। एंड हाँ, सामने की तरफ हाई रिस्क ऑडियो या फिर डॉल्बी एटमोस को इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। इसमें स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाता है, जो कि इसका हाईलाइट होने वाला है। श्रिंक रैप को ओपन करते हैं। इतने सारे चीज कॉपी करते हैं एप्पल से, एप्पल इनसे भी कॉपी करता है, बट पैकेजिंग कॉपी करो यार एप्पल का। सबसे पहले रियलमी पैड, और इसमें एक फनी चीज इन्होंने मेंशन कर रखा है, दिस बैग इज नॉट अ टॉय मेंशन कर रखा है। अब पता नहीं कौन सा बच्चा इसे टॉय समझेगा, बट एनीवे, दिस इज स्लिम यार। लाइक फर्स्ट इंप्रेशन, वाओ, सॉलिड मेटल पैकेजिंग है, और इस प्राइस रेंज में बिल्ड क्वालिटी मेरे को सही लग रहा है, लाइक देखने में। अब ये नहीं पता कि ड्यूरेबिलिटी वगैरह कैसा है, बट दिस इज सुपर स्लिम। फिर बॉक्स में आता है दो कंपार्टमेंट। पहला कंपार्टमेंट के अंदर इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ऐसा कोई रीड नहीं करता तो सही है, छोटा सा इन्होंने दिया है। फिर सिम इजेक्शन पिन, क्योंकि एक LTE वेरिएंट है, इसमें आप 4G सिम भी यूज कर सकते हैं। दूसरे कंपार्टमेंट में चार्जिंग ब्रिक होगा। यस, इसमें आपको एक 18 वॉट का पावर अडैप्टर मिल जाता है। वैसे साइज नहीं लग रहा ना 18 वॉट का, कुछ ऐसा 65 या 50 वॉट का लग रहा होगा, बट यस 18 वॉट का पावर अडैप्टर। एक केबल, थोड़ा लेंथ बड़ा हो सकता था, बट क्वालिटी एज यूजुअल, रियलमी के केबल सॉलिड होते हैं, एंड इसका भी क्वालिटी टॉप नॉच। एंड बॉक्स में इतना ही। वैसे ये जो बॉक्स है, कुछ स्वीट के डब्बा टाइप नहीं लग रहा। एनीवे, टैबलेट की तरफ आते हैं एंड एक फिजिकल ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें एक 10.4 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, एंड एक सेल्फी कैमरा इन्होंने यहाँ पे दिया, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, बट 105 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ है। जब आप वीडियो कॉल्स वगैरह करोगे, आपको एक वाइडर परस्पेक्टिव मिलेगा, ताकि ग्रुप सेल्फी वगैरह लेना या फिर एक वाइड वीडियो कॉल करना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर पीछे की तरफ रियलमी का ब्रांडिंग और एक रियर कैमरा 8 मेगापिक्सल का, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह का फोटोज लेना है इसे यूज करके ले सकते हैं। लेफ्ट साइड कंप्लीटली ब्लैंक है, राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स एंड सिम पोर्ट मिल जाता है। मेटल का है, टैक्टाइल है, बट ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अंदर दबाव है, अगर हल्का सा बाहर निकला हुआ रहता ना तो कंफर्टेबल होता है यूज करने के लिए। सिम सिचुएशन देख लेते हैं। ओके, एक हाइब्रिड पोर्ट मिल जाता है, मतलब दो सिम या फिर एक सिम एंड एक SD कार्ड यूज कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके का रबर कैस्केट नहीं है, तो पानी से बिल्कुल दूर रखना। टैब के राइट में दो माइक मिल जाते हैं, ऊपर की तरफ आपको पावर बटन मिल जाता है जिसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, एंड फिर स्टीरियो स्पीकर जो कि टॉप पे भी है एंड बॉटम पे भी है। जैसे मैंने कहा था, इस टैबलेट का हाईलाइट होने वाला है इसका स्पीकर्स, एटलीस्ट ऑन पेपर स्टीरियो स्पीकर काफी लाउड होना चाहिए, देखते हैं कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस कैसा है। फिर बॉटम में इसके 7100 mAh बैटरी को चार्ज करने के लिए एक USB Type-C पोर्ट मिल जाता है, 3.5 mm हेडफोन जैक भी मिल जाता है, जो कि एक वियर्ड सा लोकेशन में मैं पहली बार किसी भी फोन या टैबलेट में ऐसे लोकेशन पे देख रहा हूँ। एनीवे, इस टैबलेट के साथ ना आपको टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगा के मिलता, और मेरे हिसाब से रियलमी ने यहाँ पे कॉस्ट कटिंग किया, यहाँ पे देना चाहिए था, क्योंकि इट इज वन ऑफ दोज प्रोडक्ट जिसका ना टेम्पर्ड ग्लास मिलना इतना आसान नहीं है, एटलीस्ट लॉन्च के टाइम पे, बाद में मिल जाएगा, बट अगर आपको इसे बचाना है हल्का फुल्का, वैसे इसमें मेरे को नहीं लगता किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन है। रियलमी वेबसाइट पे तो इन्होंने कुछ मेंशन नहीं है, कहीं पे मैंने देखा था कि पांडा ग्लास नाम का कुछ मेंशन कर रखा है, बट इट इज अ फिंगरप्रिंट मैग्नेट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्लीटली फिंगरप्रिंटिंग हो चुका है। एनीवे, अभी मैं क्या करूंगा, इसे यूज करूंगा एक दिन अपने जो भी एप्लीकेशंस या सिम जो भी डालना है वो सब करके, फिर मैं मिलता हूं आपको जल्दी। ओके, मैंने टैब को कंप्लीटली सेटअप कर लिया। जो भी एप्लीकेशन मैं डे टू डे लाइफ में यूज करता हूं, बाइबल से लेके Amazon प्राइम वीडियो, फ्लिपकार्ट, बेसिकली हल्का फुल्का गेम्स भी, मतलब अपने टैब जैसे मैंने बना लिया, सिम कार्ड भी इसमें मैंने डाल दिया। अब देखो, दो तीन चीजें मैंने नोटिस किया। फर्स्ट बूट के टाइम, जैसे ही तुम फर्स्ट बूट करते हो, क्लियरली पूछता है कि इस टैबलेट को कौन यूज करने वाला है, एक चाइल्ड या फिर अडल्ट या टीन।
मेरे हिसाब से रियल में ना चिल्ड्रंस को टारगेट कर रहा है इस टैब को लेके। उसके बाद जैसे तुम सेटअप कर लेते हो, फिर से पूछता है कि इस टैबलेट को कौन यूज़ करने वाला है, एक चाइल्ड या फिर टीन। अगर आप चाइल्ड चूज़ करोगे तो आपको थोड़ा ऑप्शंस मिल जाता है, पैरेंटल कंट्रोल्स वगैरह। उसके बाद फ्री स्टोरेज के बारे में बात करूँ तो मेरे पास जो वेरियंट है ये 32 GB वाला है और इसमें अराउंड 19 GB फ्री स्टोरेज मिल जाता है जैसे मैंने फर्स्ट बूट के बाद स्टोरेज चेकआउट किया था। फ्री रैम के बारे में बात करूँ तो अराउंड 900 MB फ्री रैम मिल जाता है बिना किसी बैकग्राउंड प्रोसेस का, आउट ऑफ 3 GB रैम। देखो सॉफ्टवेयर वाइज ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा क्लीन एक्सपीरियंस देखने को मिला, किसी भी तरीके का ब्लॉटवेयर नहीं था। दो तीन एप्लीकेशन जो चिल्ड्रंस को टारगेट करके गूगल ने बनाया वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। डिलीट नहीं कर सकते, डिसेबल कर सकते हैं, तो मैंने सबसे पहले इसे डिसेबल कर दिया था। उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा क्लीन एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाता है। सॉफ्टवेयर साइड में ना आपको एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। इसमें सेटिंग्स में लिखा है कि रियलमी UI फॉर पैड वर्जन 1.0, बट मेरे हिसाब से कुछ भी चेंजेस नहीं दिखता। हल्का फुल्का रियलमी के फ्लेवर इन्होंने दिया है, बट उसके अलावा 95% कम्प्लीटली प्योर स्टॉक एंड्रॉयड है और मेरे हिसाब से ये हेल्प ही करेगा क्योंकि G80 उतना ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर नहीं है और आपको पता है कि रियलमी UI जो है थोड़ा सा प्रोसेसर इंटेंसिव हो सकता है, तो यहाँ पे हल्का फुल्का आपको बेनिफिट मिलेगा बट एट द सेम टाइम उतना फीचर्स आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। कंप्लीटली स्टॉक एंड्रॉइड बता सकते हैं, इट्स लाइक मोटोरोला ने एक टैबलेट बनाया वैसे आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा। ऑफकोर्स तुम मल्टीटास्किंग वगैरह कर सकते हो क्योंकि एक 10.4 इंच का FHD++ बता सकते हैं डिस्प्ले आपको मिल जाता है। हाँ, डिस्प्ले ब्राइट है एक टैबलेट के लिए, इस प्राइस रेंज के लिए ब्राइट है, बट एट द सेम टाइम ना 224 PPI आपको देखने को मिल जाता है पिक्सल पर इंच। तो अगर आप पास से देखोगे FHD++ होने के बाद भी यू विल सी पिक्सलेशन एंड स्टफ, तो मेरे हिसाब से दिस कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड। बट एट द सेम टाइम मानना पड़ेगा कि इस प्राइस रेंज के अंदर जो भी टैबलेट्स आते हैं सैमसंग के हो गए या फिर लेनोवो, सब इससे बेकार सा ही डिस्प्ले देता है। बट अगर आप एक फ़ोन जैसा डिस्प्ले एक्सपेक्ट करोगे वो आपको यहाँ नहीं देखने को मिलता, हल्का फुल्का पिक्सलेशन आपको देखने को मिल जाता है। एक रेस्पॉन्सिव टच स्क्रीन मैं बताऊंगा, 10-point मल्टी टच सपोर्ट करता है, तो ये सब इसका थोड़ा सा एडेड बेनिफिट हो गया। डिस्प्ले उतना खास नहीं लगा, अब एवरेज बताऊंगा, बट स्पीकर्स मेरे हिसाब से इसका एक ही एडवांटेज है कि ये छोटा है, मतलब स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाता है एंड इट इज़ सुपर लाउड। लाइक अगर आप इस टाइप से पकड़ोगे ना तो हो सकता है कि हैंड्स कवर हो, बट अगर आप इस ओरिएंटेशन में पकड़ोगे, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में, एक छोटे रूम के लिए आपको ब्लूटूथ स्पीकर की जरूरत नहीं है, दिस इज सफिशिएंट। अगर आप 100 पे रखोगे ना, मेरे हिसाब से 80 से अबव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुपर लाउड अगर आप ईयरफोन्स वगैरह पहनना पसंद नहीं करते, आपको स्पीकर वाला एक्सपीरियंस चाहिए मीडिया कंजप्शन के लिए, तो यू विल एब्सोल्युटली लव इट। रियलमी पैड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं देखने को मिलता, फेस अनलॉक से काम चलाना पड़ेगा एंड 10 में से 8 बार काम करता है। मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में दे सकते थे फिंगरप्रिंट स्कैनर, पावर बटन पे या फिर साइड पे दे सकते थे, इट वुड हैव मेड द एक्सपीरियंस अ होल लॉट बेटर। लाइक फेस अनलॉक क्या ना, अभी रात में काम नहीं करता, अगर लाइटनिंग कंडीशन परफेक्ट नहीं है तब वो काम नहीं करता, आपको पासवर्ड वगैरह फिर से डालना पड़ेगा। इसमें 2 कैमरास मिल जाते हैं, सामने की तरफ 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है 105° फील्ड ऑफ व्यू का और वीडियो कॉल्स कर सकते हो। अगर आपको वीडियो कॉल्स करना है, हल्का फुल्का सेल्फी लेना है कभी कभी, वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। सॉफ्ट सा इमेज आता है, ज़्यादा डिटेल एक्सपेक्ट मत करना, बट वीडियो कॉल्स के लिए मेरे हिसाब से सही है। रियर में जो 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है उससे तुम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह का फोटो ले सकते हो, अगर आप कुछ अपने बुक्स का पेपर्स का फोटो लेना चाहते हो वो कर सकते हो, सफिशियंट डिटेल्स है बट फोटोग्राफी टाइप का नहीं है। मतलब इसमें GCam इंस्टॉल करके कोई जाएगा तो नहीं फोटो लेने, है कि नहीं, कॉमन सेंस है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर नहीं कर सकते। इसका एक वीडियो सैंपल मैं दिखा देता हूँ सेल्फी कैमरा का, ताकि आपको आइडिया लग जाए वीडियो कॉल्स के टाइम आप कितना बढ़िया लगेगा। 8 MP अल्ट्रा वाइड सेल्फी कैमरा से आप कुछ ऐसे वीडियोस बना सकते हैं। वैसे तो यार वीडियो कॉल्स हो गया या फिर जूम कॉल्स, इन सब के लिए यूज करोगे, बट आप देख पा रहे होंगे कि इट हैज अल्ट्रा वाइड पर्सपेक्टिव, ये जो टेबल बेंड होते हुए नहीं दिख रहा, तो यार एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। ये जो ऑडियो है ये भी इसी डिवाइस से कैप्चर हो रहा है। ओके, फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? वैसे ना इसके बैटरी ड्रेन टेस्ट करना चाहिए कि नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 7100 mAh बैटरी है, मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। और हाँ, इसके फुल रिव्यू भी आएगा तो बेल आइकन जरूर दबा देना। अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस ये है कि बिल्ड क्वालिटी अमेजिंग है इस प्राइस रेंज के लिए। अल्यूमिनियम चैसी मिल जाता है, एर्गोनॉमिक है, पकड़ने में बढ़िया है, थिन है, थिन एंड लाइट वेट, तो बिल्ड क्वालिटी वाइज कोई इशू नहीं है, किसी भी तरीके का फिंगरप्रिंट स्मजेस भी आपको नहीं देखने को मिलता। डिस्प्ले बेटर हो सकता था, FHD++ बता सकते हैं इस डिस्प्ले को आप, बट क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 224 pixels per inch मिलता है तो ऐसा लगता है कि डिटेल्स नहीं है। अगर आप पास से देखोगे, अगर आप वन एंड डिस्टेंस से रखोगे तो ज़्यादा नहीं पता लगेगा, अगर आप थोड़ा सा पास से देखोगे या फिर आप ध्यान से देखते हो चीज़ों को तो आपको पता लग जाएगा कि पिक्सलेशन हो रहा है। मेरे सबसे बेटर हो सकता था, वरना टच क्वालिटी वगैरह मेरे को सही लगा। परफॉर्मेंस डे टू डे टास्क के लिए ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, ट्विटर चला रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, OTT प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लास वगैरह अटेंड कर रहे हो, हीटिंग भी नहीं देखने को मिलता, बैटरी लाइफ भी बहुत ही बढ़िया है।
परफॉर्मेंस भी ठीक है, बट क्योंकि ना बॉक्स में इन्होंने Helio G80 गेमिंग प्रोसेसर लिख रखा था, मैंने टेस्ट किया 2-3 गेम्स एंड हॉनेस्टली बिल्कुल भी नहीं, सब पार परफॉर्मेंस है। और मेरे को समझ नहीं आता कि ब्रांड्स ऐसा मार्केटिंग करती क्यों है जब इन्हें पता है कि कैपेबल नहीं है डिवाइस। Helio G80 फोन में ठीक है, टैबलेट में नहीं मेरे हिसाब से। तो अगर आपका डे टू डे टास्क है बहुत बढ़िया चलेगा, बट गेमिंग जैसे BGMI वगैरह हो गया ये सब आप सोचो ही मत। हल्का फुल्का गेम्स फिर भी ठीक है, बट एनीवे मेरे हिसाब से ना इस डिवाइस को एज अ प्रोडक्टिविटी डिवाइस फॉर स्टूडेंट्स मार्केट करना चाहिए था, ये गेमिंग वेमिंग मार्केटिंग हटा दो। एनीवे इस वीडियो को लेते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।